prasthaya bhutale srimate bhakti vedanta swami niti namini namaste saraswate devi gauravani pracharini Krishna Krishna Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Shiva, Vishva,
Shete Yadamusha Purusha Mute Nama Shusha Shusha Atmaka Sulanka Srishta Bhagavan Chamsi Krishna Yavasudevaya Thank you.
शास्त्र के अनुसार गुरु भगवान और वैष्णव को प्रणाम करना अति आवश्यक है। तो हम शुभ कार्य करना आज से प्रारंभ कर रहे हैं। शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण करना अति आवश्यक है। मंगलाचरण करने से हम जो भी कार्य करने चलते हैं उनमें हमारा मंगल होता है। तो आप सबसे प्रार्थना है, जितने लोग ये मंगलाचरण जानते हैं कृपया करके हमारे साथ दोहराइए, और जितने लोग नहीं जानते हैं भी ध्यान से सुनिए। ओम ज्ञानते मनस्य ज्ञानमयं Thank you.
उस विषय को जान लेना अति आवश्यक है। इस कोर्स के पहले दिन अर्थात आज श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवत गीता के श्रीमद् भगवत गीता का परिचय हम करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता क्या है आज हम यह जानेंगे। कल के दिन में श्रीमद् भगवत गीता में पांच विषय वस्तु है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इस कोर्स के दूसरे दिन श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे विषय वस्तु अर्थात जीव के बारे में हम जानेंगे। तीसरे दिन हम भगवान के बारे में जानेंगे। चौथे दिन प्रकृति, काल और कर्म के बारे में हम जानेंगे। पांचवे दिन सर्वोत्तम योग पद्धति के बारे में और छठे दिन इस श्रीमद् भगवत गीता को किस प्रकार हम हमारे व्यावहारिक जीवन में उतार सकते हैं इसका हम श्रवण करेंगे। तो ध्यान में सब लोग बुद्धि लगाकर अपना मन लगाकर केवल एक घंटा सुनना है, तो बुद्धि और मन लगाकर आप सुनिए। आइए हम प्रारंभ करते हैं। हमारी परंपरा रही है इस्कॉन की, यह भगवत गीता कोर्स प्रारंभ करने से पहले प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न यही है, इस भगवत गीता कोर्स को यहाँ पर करने के लिए हम करीबन एक महीने पहले सोच रहे थे। एक महीने पहले हम यह हॉल बुक करवाए थे और एक महीने पहले से हम यह गीता कोर्स के लिए एडवर्टाइजमेंट करना प्रारंभ कर दिए थे। हमारे भक्तों ने बहुत बहुत इस गीता कोर्स में सबको बुलाने के लिए एडवर्टाइजमेंट की। कई सारे भक्त हैं जैसे नीलेश प्रभु, समीर प्रभु, मुकेश प्रभु, अमित प्रभु, कई भक्तों ने बहुत प्रयास किया और बहुत बहुत लोगों को यहाँ पर आने के लिए निमंत्रण दिया। करीबन 10,000 हैंडनोट्स लोगों ने बांटे और 1500 पासिस सबको दिए। और प्रोग्राम शुरू होने से पहले सब लोग हमें फोन कर करके कह रहे थे, प्रभु हमने 1500 पासिस सबको दे दिए हैं और यहाँ पर केवल 500 लोग बैठ सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, सब लोग को कैसे बिठाएंगे। परंतु जितने जितने लोगों को कहा गया कि आप इस गीता कोर्स में आइए, वे सब लोग नहीं आए। देखिए अभी प्रश्न के ऊपर आ रहा हूं, आप सबके लिए यह प्रश्न पूछा जा रहा है। इस कोर्स में आने के लिए कई लोगों को हमारे भक्तों ने बताया कि यहाँ पर भगवत गीता को सार रूप में समझाया जाएगा, इसलिए कृपया करके आप इस कोर्स में आइए। तो हमारे भक्तों ने करीबन 4,000 से 5,000 लोगों को यह बात बताई, परंतु 4,000-5,000 लोगों में से केवल मैं देख रहा हूं यहाँ पर 500 से 700 लोग आए। आप 500 से 700 लोगों
लोगों को हमारे भक्तों ने जो जो बात बताई है वही बात वे लोगों को बताई जो लोग यहाँ पर नहीं आए। आप लोगों को जो बताया गया, आप लोगों को जैसे पता चला कि यहाँ पर गीता कोर्स है, वैसे ही जो लोग यहाँ पर नहीं आए हैं उनको भी पता है। लेकिन 5-6 हजार लोगों में से केवल यहाँ पर 500 से 700 लोग आए हैं। अब मेरा प्रश्न यह है कि आप में ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण आप सब लोग यहाँ पर आए, और वो लोग जो यहाँ पर नहीं आए हैं उन लोगों में ऐसी कौन सी चीज नहीं है जिनके कारण वे लोग यहाँ पर नहीं आ सके। प्रश्न समझ में आ रहा है? जो लोग यहाँ पर नहीं आए हैं उन लोगों को भी यही बताया गया था जो आपको बताया गया है, लेकिन उन लोगों में कुछ कमी है जिनके कारण वे लोग यहाँ पर नहीं आ सके। परंतु आप में एक ऐसी विशेष वस्तु है, एक ऐसी विशेष चीज है जिनके कारण आप यहाँ पर आ चुके। अब कृपया करके आप में से कुछ लोग हमें इसका उत्तर बताइए। और ध्यान रहे, जो लोग इस्कॉन के भक्त हैं कृपया करके आप लोग हाथ को मत कीजिए। बताइए। प्रभु कृपा, प्रभु कृपा, कृपा की वजह से और ज्ञान की जिंदा। हाँ, और बताइए। पूर्व पुण्य कर्म की वजह से आ रहा है। पूर्व पुण्य कर्म की वजह से आ रहा है, बहुत ही सुंदर। श्रद्धा के कारण, हमें श्रद्धा है इसलिए हम यहाँ पर आए। बताइए। एक नई शक्ति पाने के लिए यहाँ पर आए। ठीक, और कोई बताइए। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी में लगाव है इसलिए हम यहाँ पर आए। ठीक, यद्यपि उत्तर हमें मिल चुका है लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं कितने लोग। बताइए आप, रेड टी शर्ट।